बड़ा मुश्किल होगा पहचाना कि इससे पहले भी असंख्य प्रधानमंत्रियों को ये मिल चुका है। सर, प्रधानमंत्री जी ने अपने रूटीन से उन्होंने बात की तो उन्होंने यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाया और खासतौर से जो अस्पताल पे हमले में बच्चे मारे गए उन्होंने कहा कि बहुत ही पेनफुल है अगर बच्चे मारे जाते हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि बैटल फील्ड से सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। और रूस के राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं इस चीज से सहमत थे प्रधानमंत्री के इस चीज से, और उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान का जो एफर्ट है यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए वो बहुत नहीं, बिल्कुल बच्चे कहीं भी मरे, रूस में मरे, मणिपुर में मरे, दुखद है और चिंता एक जैसी होनी चाहिए। मुझे कष्ट इस बात का है, परसों आपकी वायर सर्विस ने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी जब तक विदेश में है मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कल खुद ही भंडोल कर दिया, मेरे से पहले कुछ नहीं था, 2014 से पहले देश डिप्रेशन में था। आप सिर्फ पुराने प्रधानमंत्रियों और दलों का अपमान नहीं कर रहे हैं, असंख्य मजदूरों, किसानों, शिक्षकों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों सबका अपमान कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? विदेश में कम से कम देश की बात रखी जाए ना, यहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। बहुत अच्छा लगा आपने यूक्रेन वॉर के संदर्भ में कहा, लेकिन ये बुरा लगा कि प्रधानमंत्री जी हो क्या गया, आप मैं वाद से निकल ही नहीं पा रहे हैं, मैं मेरा मुझको, इस मैंडेट के बावजूद। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है माननीय प्रधानमंत्री जी को। सर, पिछले कुछ दिनों से जब हम देख रहे हैं आतंकी घटनाओं की, डोडा में ये एक एनकाउंटर अभी भी जारी है, वो भी कॉन्वॉय पर अटैक किया गया, क्या कहना है? देखिए, मैं लगातार आपके माध्यम से, आपकी वायर सर्विस के माध्यम से मैं ये चिंता व्यक्त कर रहा हूं। मैं सदन में था जब 370 का मसला आया था, यूं करके वो बात बोली जा रही थी सीना ठोक करके। अरे सीना ठोकने से बात नहीं होती है, आप नॉर्मलिसी के लिए आपकी पहलकदमियों में क्या कमी रही? अब ये सारी चीजें जम्मू संभाग में हो रही है, क्या कहेंगे आप? जिस व्यक्ति को जवाब देना चाहिए ना, वो व्यक्ति चुप्पी ओढ़े हुए बैठे हुए। हम अक्सर ये कहते हैं, क्या होता है ना कि हम श्रद्धांजलि देकर के निवृत्त हो जाते हैं। तिरंगे में लिपटा शव, उस पर फूलमाला, श्रद्धांजलि, अगले दिन फिर बिजनेस एज यूजुअल, ये नहीं चलेगा ना भाई, ये कैसे चलेगा? ये आपका हमारा मसला नहीं है, देश का मसला है। कहीं आपसे चूक हो रही है, लगातार आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, एक्नॉलेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, फिर आगे बढ़िए। सर, राणा एक मैगजीन निकाली जाती है जिसके ताजा अंक में पॉपुलेशन इम्बैलेंस की बात कही गई है, और उन्होंने कहा है कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। बहुत अभी हाल में मोहन भागवत जी क्या बता रहे थे कि मुसलमान, हिंदू और वगैरह वगैरह चुनाव के बीच में, ये डेमोग्राफर कब से हो गए ये लोग? पॉपुलेशन का काम डेमोग्राफी का है, डेमोग्राफर्स को करने दीजिए। और लगातार हमने कहा कि पढ़िए डिकेडल रेट ऑफ डिक्लाइन को, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन पढ़ना है नहीं। ये तो हमारे एक मंत्री जी हैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में, उनको ये विभाग सौंप दीजिए, कुछ डेमोग्राफर से बात कर लें आराम से बैठ करके, झटका हलाल से ऊपर होकर के, फिर देश का भला करेंगे। सर, अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, इन दो पार्टियों पर खासतौर से आरोप लगाया है कि ये दोनों ही पार्टियां जो हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी जो भी है, ये आइडियोलॉजिकली जो है बैंकरप्ट हो गई है। बैंकरप्सी कैसे डिफाइन करते हैं नड्डा साहब? मैं तो पूछूंगा, आपकी पार्टी का क्या हुआ नड्डा साहब? बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी में तब्दील हो गया और आप टुकुर टुकुर देखते रह गए, टुकुर टुकुर। व्यक्तिवाद की भेंट चढ़ गई आपकी सामूहिक चरित्र की पार्टी बीजेपी। 240 का मैंडेट 400 चिल्लाने के बाद यह आपको समझ में नहीं आ रहा नड्डा जी? मतलब मैं समझता हूं, बार बार मैं कहता हूं, दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने में रखना बेहद आवश्यक है, आईने की बहुत कमी। सर, दिल्ली में एक बार फिर से आपकी पार्टी की सरकार आमने सामने है, इस बार एलजी ने सत्येंद्र जैन के द्वारा सीसीटीवी लगाने के जो आदेश दिए गए थे उसकी जांच विजिलेंस से कराने का ऑर्डर दिया है, एनओडी दिया है, और उस पर आमने सामने है। नहीं, सरकार ही खत्म कर दो ना, काहे को,
दिल्ली का राज्य का दर्जा खत्म करिए, एलजी को मालिक बना दीजिए, एलजी ही भगवान है, एलजी ही मालिक है, एलजी सर्वोपरि है, एलजी इधर है, एलजी उधर है, एलजी सर्वत्र है, एलजी थोड़ी ही है, बीजेपी है, बैकडोर से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है, लेकिन नहीं, एलजी साहब आपने तो संशोधन करके वो जो बिल भी लाया उसमें तो सरकार का मतलब एलजी ही बता दिया, तो भला हुआ आपका। सर एक सवाल राजस्थान से, राजस्थान स्कूलों को आदेश दिया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को सेलिब्रेट किया जाए स्कूल में। अब मैं इस पर क्या कहूं, कहां जा रहा है ये देश? सवाल वो नहीं है, राम आस्था है मेरी, मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा, उस श्रद्धा को मैं सार्वजनिकरण नहीं करना चाहूंगा। हम बापू के है राम वाले हैं, पढ़ाने की शुरुआत होनी चाहिए ना, तो पढ़ाइए इस देश का पहला आतंकवादी कौन था जिसने गांधी के सीने में गोलियां दाग दी। मतलब एक सोच, एक समझ, वो जो विकसित होनी चाहिए ना, एक सर्वांगीण चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ करके करिकुलम बनता है। मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं आपको कहता हूं कि ये चीजें इस देश को खत्म कर जाएंगी। सवाल राम शिव का नहीं है, सवाल अल्लाह का नहीं है, सवाल कुरान और बाइबल का नहीं है, सवाल यह है कि संविधान सम्मत हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। संविधान में प्रावधान है, हमारी प्रस्तावना है, जो भी उसके अनुरूप नहीं है उसको लेकर के निगाह साफ होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है, अग्निवीर का विरोध पहले दिन से रहा है, कैप्टन अंशुमान सिंह जिन्हें हाल ही में कीर्ति चक्र दिया गया, उनकी माता जी ने सरकार से अपील की है कि इस स्कीम को तत्काल सरकार रोके। देखिए मैं समझता हूं ना कि किसी को मत सुनिए, अंशुमान शहीद अंशुमान जी की मां को भी मत सुनिए, राहुल गांधी को मत सुनिए, तेजस्वी यादव को मत सुनिए, हमें मत सुनिए, संसद को मत सुनिए, जो तैयारी कर रहे हैं ना सेना के लिए उनकी तो सुनेंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं सुनेंगे। मन में ख्याल आ गया एक दिन पीएमओ में बैठे बैठे या किसी ने परोस दिया यह ख्याल, लागू कर बैठे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस हिंदुस्तानी सेना का एक चरित्र रहा है, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। ये खिलवाड़ देश के साथ हो रहा है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ हो रहा है।